मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर करेगी सायरा, इतना मजबूर कि तुम खुद सबके सामने एतराफ करोगी कि जैद की मोहब्बत अमर है। I'm sorry जैद, I'm really sorry यार। सायरा ऐसी है नहीं, बस न जाने अचानक उसे क्या हो जाता है, कभी घर छोड़ने की बात करती है और कभी उसका रवैया इतना अजीब हो जाता है। प्लीज तू बुरा मत मानना। भाई बुरा तो मुझे वाकई लगा उनका, मुझे यूं कमरे से बाहर निकालना। चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, होता रहता है। लेकिन भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मसला कुछ और है। क्या मतलब मसला कुछ और है? देखिए भाई, आपने सायरा से शादी की उसकी इज्जत को बचाने के लिए, राइट? लेकिन क्या कभी किसी ने उसे पूछा कि उसकी रजामंदी है भी कि नहीं? हो सकता है कि वो आपसे पहले किसी और से। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं, किस तरह बात कर रहा है अपनी भाभी के बारे में? मुझे पता था, मुझे मालूम था आप मेरी बात का माइंड कर जाएंगे। करना भी बनता है, बीवी है आपकी, आपकी बेटी की माँ है। लेकिन भाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो, तो उसके हिसाब से ये है कि अगर किसी लड़की की शादी ज़बरदस्ती किसी से कर दी जाए तो वक्ती तौर पे वो अपना घर बसाने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट तो रखती है, मगर उसका दिल और दिमाग कहीं और होता है, जिसका असर उसके साथ रहने वाले इंसानों पर पड़ता है। ये बकवास और ये फिल्मी कहानी अपने पास रख, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अगर आप में थोड़ी सी भी अकल हुई ना वलीद भाई, तो मेरा इशारा समझ जाओगे। आप नाराज हैं मुझसे? सायरा तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी जिन खूबियों की वजह से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी, वक्त गुजरने के साथ साथ न जाने वो सारी खूबियां कहाँ खो गई। क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि खूबसूरती के अलावा मुझ में और कोई खूबी नहीं है? क्या मैंने आपको औलाद नहीं दी? आपके माँ बाप की दिन रात खिदमत नहीं की? आपकी बीमार माँ को चलने फिरने के काबिल नहीं बनाया? ये इजाफी खूबियाँ नहीं हैं तो और क्या है? ये सब तुम्हारे एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन एहसान को यूं जता देना ये कोई खूबी तो नहीं। तुम आराम से प्यार से भी तो जैद को जाने के लिए कह सकती थी। जिस तरह से तुमने उसे कहा, उसे बहुत दुख हुआ है। मुझे भी दुख होता है उसकी मौजूदगी से, हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने से। छोटा भाई है वो मेरा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें उससे इतनी चिढ़ क्यों है? किस बात का डर है तुम्हें जैद से? आप कितना गलत सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं है और मैं क्यों डरूंगी उससे? वो आपका छोटा भाई है, इंसान है, कोई शैतान नहीं जो मैं उससे पनाह मांगती रहूं।